यहाँ तक थे, ध्यान दीजिएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। हम लोगों ने डिफाइन कहाँ तक कर दिया है कि जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो एप्लीकेशन का अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, पूरा क्लियर है? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। अलॉटमेंट पे शेयर इशूड एट डिस्काउंट, शेयर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। आज बताने वाले हैं हम कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, ठीक है? अभी तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है, पूछ सकते हैं। चलिए किशोर बताइए, शेयर कैपिटल कितना? 10 लाख। 10 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना? 10,000। शेयर प्राइस? 100 रुपया। 100 रुपया। चलिए 100 रुपया। पैसा कितने इंस्टॉलमेंट में लिए हैं? 20। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, हाँ, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पता नहीं यार, इसकी फंस रहा है, पेन बहुत ज्यादा फंस रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है आपको, एप्लीकेशन या तो बराबर आएगा या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर? फिर हम कल हमने बताया था अलॉटमेंट पे पैसा हम शेयर या तो हम एट पार इशू करेंगे या तो एट डिस्काउंट इशू करेंगे या तो एट प्रीमियम करेंगे। तो एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, पक्का? तीनों में कोई दिक्कत नहीं, पक्का? यस सर। चलिए आज हम बताए थे कि पैसा मांगेंगे हम कितना फर्स्ट कॉल पे, 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, पैसा मांगेंगे हम 2 लाख, ठीक? चलिए लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पे हमारे सामने सिचुएशंस कितना आ सकता है? 3, या पैसा बराबर आएगा या कम आएगा या ज्यादा आएगा। Yes, sir. या तो बराबर 2 लाख, एग्जैक्टली 2 लाख आए, या क्या हो सकता है? यहाँ पे कितना? 2,20,000। 2,20,000, क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान दीजिए, इसको फाइनल एंट्री बताते हैं। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियो कितना है? 10,000। 2 लाख में मांगे 2 लाख, 2 लाख में आया 90,000, 1,90,000, तो 10,000 रुपया कम आया। जितना कम आया उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल सीन अरियर। पता नहीं कर्सर ठीक नहीं चल रहा है, फंस रहा है। कॉल सीन अरियर, ये एंट्री तो सिखा चुके हैं आपको बराबर वाला केस में। इसमें कितना एक्स्ट्रा आ गया? 20,000 आपको एक्स्ट्रा आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। आयुषी है कि नहीं लाइन पे? आयुषी का आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर है। तो बोल ले रहे हैं सब? अच्छा बोलते हैं आप। कुछ मत बोलिए, कामे का बात। हाँ भाई। चलिए तो हम बताते हैं आपको, चलिए फिर से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तीन सिचुएशंस, या तो पैसा बराबर आएगा या तो कम आएगा या तो ज्यादा आएगा। बराबर आया मतलब 2 लाख आया, कम आया मतलब 1,90,000 आया, ज्यादा आया मतलब 2,20,000 आया। चलिए
तो नोटिस कीजिएगा, पैसा इसमें रिसीव पहले या ट्रांसफर पहले? कोई आया सलमान खान लगता है, कोई आया, कोई गेस्ट आया, कोई मेहमान जी आए। साक्षी समझाते नहीं उसको सर, उसका कोई ठीक नहीं है। विकास, 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 हीरो माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए, रिमूव कर दें। लगता है सर सुन ही नहीं रहा होगा। विकास हम भी बोल रहे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसे में रूट टूट जाता है, गलत की सही? सही है सर। समझता नहीं है, लो मजाक समझता है। चलिए चल ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में रिसीव पहले था या ट्रांसफर पहले था? प्रीति ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर। इस केस में पहले हम ट्रांसफर करते हैं, रिसीव बाद में करते हैं। यस सर। तो क्या मांगने के समय आपको पता था कि 190 आएगा कि 2 आएगा कि 220 आएगा? नो सर, नो सर। कहने का मतलब मांगने के लिए तीनों का एक ही इंट्री होगा, मांगे तो हम 2 लाख होंगे, गलत की सही? सही है सर। पहला एंट्री हम वही किए होंगे, क्या एंट्री किए होंगे साक्षी बताइए? ट्रांसफर का सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। बिल्कुल सही, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर, नो सर। मांगने के समय में जिस समय हम उसको ट्रांसफर किए तब तक ये मान के चले थे कि 2 लाख रुपए आ जाएगा। सिचुएशन खराब हुआ अब जब हम रिसीव करने लगे तब, तो जब पहले केस में कितना 2 लाख आ गया तो नॉर्मल एंट्री करेंगे, क्या एंट्री होगा? रुकिए, रुक जाइए, बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट, प्रिंस प्रिंस आप बताइए क्या एंट्री होगा? लाइन पे हैं किशोर? लाइन पे है प्रिंस? भास्कर है? भास्कर, भास्कर भी नहीं है, भास्कर नहीं है सर। किशोर आप ही बताइए। बैंक टू सेव फर्स्ट कॉल, बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेव फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमन वर्मा है लाइन पे? ठीक है, जो बात कर रहे हो वही बात कीजिए। ठीक है, पहले ही ठीक चल रहा था, हम गड़बड़ा दिए। चलिए आयुषी आप बताइए, अब जो है नॉर्मल केस में तो ये था, लेकिन इस केस में क्या हुआ? ये तो सब में बराबर होगा ना, ये तो तीनों केस में पहला एंट्री बराबर था, सेम मतलब सेम होगा। हाँ सर। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हम देखे कि 2 लाख रुपए आया, यहाँ पे हम पहले सेम एंट्री करेंगे। ध्यान दीजिए, लॉजिक समझिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल में मांगे थे 2 लाख रुपया, तो कैंसिल कर दिए। हाँ सर। लेकिन पैसा आया मेरे पास 190, 10,000 नहीं दिया है, बकाया है, कॉल सिनेरियर है ना, कॉल सिनेरियर है ना, यहाँ पे देखिए कॉल सिनेरियर है। यस सर। तो जब जिस लोगों से पैसा लेना बाकी है वो आपके क्या बन जाते हैं? कॉल सिनेरियर। उस लोग में क्या डेटर हो गए आपके? डेटर, मेरे डेटर हो गए। जो उनसे पैसा लेना है वो हमारे डेटर हो गए। यस सर। डेटर, डेटर जब बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेकिन डेटर का नाम हम लिखेंगे कॉल सिनेरियर अकाउंट, मतलब आपका एसेट्स क्रिएट हो गया 10,000 का, नहीं आना है।
मतलब 2 लाख में 1.90 आ गया, 10,000 आना है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियो रिकॉर्ड डेबिट, कॉल सिनेरियो रिकॉर्ड डेबिट, कैपिटल अकाउंट। अरे अरे फर्स्ट कॉल, एक मिनट, कामनी पकड़ाई, कामनी था, कामनी का आवाज था। यस सर, धोखा से हो गया, सॉरी सर। अब धोखा देते हैं आप, यही सब शादी हो गई है आपकी और आप बोलते हैं ऐसा धोखा हो गया, अच्छा लगता है? नो सर, सॉरी बोली, सॉरी सॉरी सर, धोखा कर मत दिया कि समझे कि नहीं, गलत चीज है ना, धोखा दिए नहीं सर, धोखा हो गया सर, गलती से, गलती से हो गया। हाँ तो होता है, धोखा होता है, थोड़ा सा सावधान रहिए, क्राइम पेट्रोल देखिए, सावधान रहिए, धोखा देना भी गलत है, धोखा खाना भी गलत है, धोखा हो गया। चलिए अब इसको लास्ट बढ़ते हैं आगे, अब इसमें क्या होगा, इसमें मांगे भी सब में 2 लाख मांगे थे, कॉल्स इन एडवांस वाले केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, सबको दिख रहा है? यस सर। नहीं दिख रहा, नहीं तो जूम कर लीजिए, यहाँ पे जूम होता है, सेम एंट्री पहले कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट ऑल अकाउंट, ऑल अकाउंट, तो मांगे 2 लाख। अब भाई आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब भाई यस सर आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो इसमें हम देखिए कि मांगे 2 लाख और पैसा कितना आ गया, 2,20,000। जब आपके पास पैसा एडवांस में आता है तो आपके लिए क्या हो जाता है, वो क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है, लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, 20,000 का लाइबिलिटीज क्रिएट कर लीजिए, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर लीजिए लाइबिलिटीज को, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हो गया? इसको अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो इजिली बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे, कि जब कॉल सिन अरियर हो तो जितना कॉल सिन अरियर है मतलब उतना का मेरा डिटर बन गया, वो उतना का वो डिटर नहीं दिख रहा है, ब्लैक कलर आ गया, तो उतना का मेरा कॉल सिन अरियर बन गया, उतना का एसेट बन गया, यस सर, यस सर, उतना मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, पक्का जितना बैंक बैलेंस कम आया उतना मेरा डिटर बन गया, यस सर, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लैंग्वेज में समझ, जितना पैसा कम आया उतना मेरा डेटर बन गया। फिर इसमें देखते हैं, जितना पैसा मेरा एक्स्ट्रा आया, कितना आया अभी सर एक्स्ट्रा? Yes, sir. Yes, sir. उतना मेरा लायबिलिटीज बन गया, यही था। तो कॉल इन अरियर के केस में जितना पैसा कम आता है उतना पैसा कम रिसीव कीजिए और उतना डेटर क्रिएट कर लीजिए, और कॉल्स इन एडवांस के केस में जितना पैसा एक्स्ट्रा आता है एक्स्ट्रा तो उतना लायबिलिटीज बन जाता है, उतना लायबिलिटीज क्रिएट कर लीजिए, यही यही कांसेप्ट है। क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एक बार एक मिनट रुकिए, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन? नो सर। जब तक मेरे हाथों में चाय है आपके पास सोचने का मौका है, चाय खत्म, मौका खत्म, गोल्डन ऑफर है सर। यस सर। अब उधर से किशोर बोला, एक चाय और मंगवाएं क्या सर? खबरदार, सबको मौका नहीं देते। कुछ पूछना है अमन? अमन अमन, टाइम खत्म, अमन नहीं आया, थोड़ा देर पहले तो बोला था, आवाज तो आया था उसका, बोला यस सर, नहीं आया था आवाज। चलिए इसमें देखिए, फाइनल एंट्री, फाइनल एंट्री क्या होगा, व्हाइट वाला आपका कॉमन एंट्री है, इसमें कोई नहीं बोलेगा हम रिवाइज करवा रहे हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मांगेंगे हर एक केस में 2 लाख। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा बाद में। तो प्रॉब्लम आएगा तो उसको इसके लिए समझ लीजिए, ऐसे होगा, एक नॉर्मल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 2 लाख 2 लाख व्हाइट वाला जो केसेस है ये किसका है, तो नॉर्मल केस है। चलिए अब क्या होगा, तो हमने जो कौन सा कलर से डिस्काउंट कॉल से ले रहे हो, किससे लिया है, ब्लू से लिया है। Yes, जब कॉल सिनेरियो होगा तो क्या होगा, जितना कॉल सिनेरियो होगा उसको आप डेबिट कर लेंगे, तो हमारे एग्जांपल में 10,000 है। तो जैसे ही 10,000 रुपए डेबिट होगा इसका मतलब पैसा कितना होगा, ये 2 लाख नहीं होगा, कितना होगा ये, 1,90,000। कौन सा क्लियर हो गया, फिर हमने क्या किया, कॉल से एडवांस को लिया है पीला कलर से, नहीं लड़की बोलेगी येल्लो येल्लो सर, ठीक येल्लो, ठीक है, खुश टू कॉल सीन एडवांस, एडवांस एडवांस कितना आया, 20,000। इसका मतलब इस केस में आपके पास बैंक से कितना आया होगा, 2,20,000। स्टाइल मार के नहीं लिख सकते हैं हम 2,20,000 लिख भी सकते हैं। चलिए अब इसमें से एंट्री अगर छांट के बोला जाए तो पहला एंट्री क्या होगा, इसमें 4 एंट्री है, ध्यान दीजिए। पहला एंट्री, दूसरा एंट्री, एक तीसरा एंट्री, एक चौथा एंट्री, गलत की सही, पीला कलर से, यस सर। चलिए तो जिसे पूछेंगे बताइएगा, पहला एंट्री कामनी आप बताइए, यस सर। पहला एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सही, वेरी गुड। अमाउंट 2 लाख 2 लाख, ठीक। सुबी आप बताइए एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 और फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख और टू कॉल्स इन एडवांस 20,000। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, स्मार्ट आंसर। प्रीति आप 3 नंबर बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000, कॉल्स इन अरियर 10,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए किशोर आप बताइए एंट्री नंबर 3, नहीं लग रहा, नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन से डरता है, ऑनलाइन कहाँ लगता है, हमको अच्छा लगता है, अगर हमेशा के लिए जाए तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यस सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना तो सब अगर लैपटॉप ले ले एकदम रिलैक्स हो जाएगा, या एंड्रॉइड टीवी तो टीवी पे दिखेगा तो भयानक दिखेगा, टीवी पे तो बहुत अच्छा दिखेगा सर, उसमें भी तो फोन पे देखना पड़ता है, उस पे बस दिखेगा, किस पे, एंड्रॉइड टीवी पे, नहीं एंड्रॉइड टीवी मस्त चलेगा, काहे हम एक दिन ट्राई किए तो हमको फिर भी फोन पे ही देखना पड़ रहा था, एंड्रॉइड टीवी पे नहीं चलता है, हम तो अभी कोशिश नहीं किए, चलता है क्योंकि उस पे तो लॉग इन होता है उस पे, हाँ होता है बट आप मतलब अगर आपको देखना है तो वो स्क्रीन पे देखना, उस पे भी दिखेगा लेकिन स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, तो बेस्ट ऑप्शन है कि डेस्कटॉप या तो लैपटॉप ले लीजिए, लैपटॉप पे देखिएगा, हाँ, लैपटॉप पे एकदम मस्त, एकदम इतना बड़ा स्क्रीन पे दिखेगा, मस्त दिखेगा, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्या हाँ उस पे डाउनलोड करेंगे फिर, जितना पढ़ा रहे हमको नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब पढ़ाई क्या है, हम जो समझा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, और क्या चाहिए, क्या बाकी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा, घर का माहौल सही नहीं होगा, घर पे नेट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, अच्छा हैंडसेट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा, घर में हल्ला हो रहा है तो प्रॉब्लम होगा, अब घर में आपके बगल में भाई बहन झूठा झूठी कर रहा है तो आप कितना माइक ऑन कीजिएगा, हम नहीं समझ पा रहे, कष्ट तो आपको हो ही रहा है, गलत की सही, हम तो सबको बोलते जाओ अभी आना मत कोई, क्लास चल रहा है, नहीं
एकदम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं पक्का। चलिए अब यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ तक तो कोई किन्हीं को क्वेश्चन कोई मन में किसी का? नो सर, नो सर, दो दिन में बहुत बोलता ही नहीं है, लाइन पे बहुत, वो सब स्लीपी मेंबर है, स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं यहाँ स्लीपिंग मेंबर का लगा एकदम सही, बोलता ही नहीं है कोई। सिमरन, अरे ओ सिमरन, ए सिमरन, यस सर, क्यों नहीं बोलते हैं आप? कितना आवाज है यार, इतना धीरे बोलिए कैसे आएगा, ऐसे बोलिए, ऐसे ऐसे बोलिए तो कैसे आवाज आएगा, ऐसे मत बोलिए, ऐसे बोलिए, क्या सिमरन? और विकास जी आप क्या कर रहे हैं, आप बैग रख के चले गए क्लास में, बैग रख के चला गया, सब बोल रहा है विकास आया है सर, विकास आया है, लेकिन बैग रख के चला गया, ये ऑनलाइन में भी ऐसा सिस्टम है लगता है, नहीं क्लास में बैग रख के चला जाता है, ये बैग रख के चला गया है क्लास में, ए विकास, रे विकास, बगल से सर बाहर गया हुआ है। अच्छा ये राहुल, राहुल एकदम आराम फरमा रहा है, एकदम बैठ करके, एकदम ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा राहुल, जैसे करके बैठे हुए एकदम आराम से, ऐसे काम नहीं चलेगा, एकदम आराम से बैठे, देखिए क्या राहुल, यस सर, काहे नहीं कुछ बोलते हैं, प्रिंस, यस सर, गाय का बछड़ा आप ही निकाल रहे थे, कौन था, कैसे आपके घर के सामने जो गाय का बछड़ा गिर गया था, आप ही निकाल रहे थे ना रात में सर? हाँ हाँ सर, हम थे एक दो और, आप ही थे ना, हमको लगा आप ही थे, मैं स्मार्ट लग रहे थे। चलिए बहुत बहुत अच्छा, कल्याण का काम किए आप, बहुत अच्छा लगा। चलिए प्रीति किशोर, हाँ किम्मी आप क्यों नहीं बोल रहे आज? यस सर बोल रहे, थोड़ा ऐसे धीरे से बोलिए तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा जोर से, जोर से, तबीयत खराब है इसकी वजह से। को लगा कौन नया आ गया अभी, सब मजाक करता तो क्या करेंगे हम, तो समझ देखने लगे। यस सर बोल रहे हैं, बोल रहे आप ठीक कैसे बोलिए, हम इसे पढ़ाएंगे तो कैसा लगेगा, कहेंगे काउंट डेबिट, कॉल से ना रहने काउंट डेबिट फास्ट हो, समझ में आया साला, 2100 महीना, 2100 कोई महीना नहीं देगा। गलत की सही किशोर, यस सर, मजाक करता है बताइए, ये कौन बोल दिया तबीयत खराब से आवाज कम हो जाता है, हम तो बुखारों में रहते हैं, कोई गुस्सा बचढ़ा दे उसके बाद आवाज देखिए, उस समय भी पलंग जाके पटक सकते हैं, गलत कैसे ही, कौन बोल दिया है, मान लेता है बुखार लगा है सर, तेरा आवाज कम निकल रहा है उसमें, अरे क्यों मन बना लिए हैं, हम एग्जांपल नहीं देते, किसी को बुखार लगा हुआ है समझे ना, डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, एकदम नहीं बोलता है उसको, पानी कैसे पिला रहा है पता है, ऐसे हाथ में पानी पकड़ के पिला रहा है, समझ रहा है, खाली बोल दीजिए भूकंप आया, भूकंप आया, सांप आया, देखिए सबसे पहले वही भागेगा, तब सारा दुख दर्द दूर हो जाता है, तब ये सब सब मन का साइकोलॉजी है, विश्वास कीजिएगा मेरे मुंह पर मुछाला आया हुआ है, अब देखिए अब आवाज फंस रहा है, हम अगर रेस्ट करेंगे ना तो नहीं लगता, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, देखिए ऐसा भारी लग रहा होगा, लेकिन भूल गए हैं, है अभी कभी मुंह आ रहा था, कुछ खाने से आपको लहरेगा, जबरदस्ती दो चार को खा लीजिए ठीक हो जाएगा, वो भी बोलेगा साला बजेट रहो बर्दाश्त करके रहो, नहीं समझे, गलत की सही, ऐसे कीजिए बड़ी कष्ट होगा, जबरदस्ती पानी उनी पी ली सब ठीक हो जाएगा, गलत की सही, सही है सर, ये कॉन्सेप्ट है, मन मत बनाइए, आगे बढ़े, यस यस सर, और सबसे बात कर लेना, किसी से दिक्कत तो नहीं हुआ, अब भाई आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, बाकी बैकअप लेक्चर, बैकअप लेक्चर गूगल क्लासरूम में बैक पीछे जाके देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब पे भी प्ले लिस्ट है, चलिए अभी आगे तक देखिए क्या होगा, अभी टाइम है थोड़ा, अभी 10 दिन ही हुआ है, अभी अच्छा खासा टाइम है अपने पास, चलिए
अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर हम एंट्री नंबर टू यूज कर रहे हैं मतलब नॉर्मल केस, तो हमारे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है, हमारे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। हिसाब क्लियर? 2 लाख मांगे, 2 लाख मिल गया, पक्का? Yes, मतलब एंट्री नंबर अगर टू यूज कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम एंट्री नंबर 3 यूज कर रहे हैं तो प्रीति बताइए हमारे साथ क्या जाएगा? क्या जाएगा? मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट के, लेकिन थर्ड नंबर एंट्री क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरेयर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब कुछ साथ में अब जा रहा है, कॉल्स इन अरेयर जा रहा है, साथ में मेरे साथ क्या जा रहा है? कॉल्स इन अरेयर। कितना जा रहा है? 10,000 साथ जा रहा है, बाकी सब एंट्री कैंसिल हो गया। देखिए फर्स्ट कॉल 2 लाख से, 2 लाख से कैंसिल हो गया, और बैंक 2,20,000 आया तो ये 1,90,000 आया तो बैंक तो ठीक है, 10,000 जो कम हो गया उसी को साथ मेरा एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ रहा है। चलिए श्रेया आप बताइए एंट्री नंबर 4 कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या जा रहा है? कॉल्स इन एडवांस जा रहा है। कितना जा रहा है? 20,000 से एक्स्ट्रा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका इफेक्ट फाइनल कॉल पे जाएगा, जो 4 सीरीज था ना सब बोला फाइनल कॉल में सर कुछ नहीं है, फाइनल कॉल में आएगा, क्या आएगा ध्यान दीजिए। तो यहीं पे समझाते हैं पहला, फिर से हम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। शेयर कैपिटल था 10 लाख, नंबर ऑफ शेयर 10,000, अमाउंट 100, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 30। चलिए अभी जो एक्सप्लेन किया फर्स्ट कॉल, पक्का? तो फर्स्ट कॉल में हमने क्या देखा? 3 सिचुएशन देखा। फर्स्ट केस में कैरी करने के लिए कुछ नहीं है, सेकंड केस में कैरी करने के लिए हमारे पास कॉल सीन अरेयर है 10,000 का, और थर्ड केस में हमारे पास कॉल्स इन एडवांस है कितने का? 20,000। चलिए अब आगे देखते हैं इफेक्ट क्या होगा। इसका पूरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? फाइनल कॉल पे आएगा, फाइनल कॉल पे आएगा। और फाइनल कॉल में हम कुछ नहीं बताए थे आपको, वहां पे फाइनल कॉल में यही इसका इफेक्ट आएगा। तो हम जो अगला एक्सप्लेन करेंगे क्या करेंगे, हम फाइनल कॉल का इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जगह छोटा हो गया, हम फाइनल कॉल ही लेके आगे बढ़ते हैं। हम ये कंटिन्यू होगा, इसी कंटिन्यू होगा, लेकिन कोना में जगह नहीं था इसके लिए आगे ले लेते हैं। एकदम वही फीलिंग आ रहा है, भोज बात में नहीं बोलता है, लास्ट में भी चौथा राउंड में पूरी लेके आता है, बोलता है पूरी दे, समझ आ रहा है? चलो दू को रखा ले नहीं, yes, फीलिंग आ रहा है। अब बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20। पूरी शुरू शुरू में आता कितना अच्छा लगता है, लास्ट में जो लास्ट राउंड में लेके आता है पूरी, पूरी देने वाले थकल रहता है, ऐसे पूछता है, पूछ तो नहीं करता है, ऐसा फुकरी दिया के पूछता है, गलत के सही? यस सर। चलिए वही वही स्थिति अब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट पंगत है। चलिए फाइनल कॉल पे हम नॉर्मल एंट्री क्या किए थे? पहला क्या किया था? ट्रांसफर की रिसीप्ट, ट्रांसफर। पहला एंट्री क्या होता है? पहला एंट्री क्या था? शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 3 लाख। 3 लाख। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ सिचुएशन छोड़े थे, कुछ यादें छोड़ दिए थे, वो यादें यहाँ पे कैरी होगा। चलिए तो समझिए कैसे क्या। पहला में तो कुछ नहीं था, दूसरे वाले में था कॉल्स इन अरेयर, तो जो बकाया लगाया होगा वो तो अब इसी इसी राउंड में दिया होगा,
कि बीच में दिया होगा, बीच में कंपनी तो बंद रहता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, पैसा देना हो तो आप क्या कीजिएगा, फाइनल कॉल के साथ में दीजिएगा, गलत की सही? वो तो जब फाइनल कॉल देने के लिए आया तो एक कॉल सीन अरियर दे दिया, तो इसके लिए एंट्री होगा, उसको छोड़ दीजिए। सपोज कीजिए ये 3 लाख का 3 लाख तो आया, नॉर्मल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेव फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 3 लाख, 3 लाख नॉर्मल हो गया। लेकिन जो पहले जो बाकी लगाया 10,000 वो आदमी भी दे दिया, हो सकता है उसमें आउट ऑफ कंट्री था, बाद में आया तो इस पे दे दिया, बोला कॉल सीन अरियर है, भेज दिया, तो सिंपल है, कंपनी उसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेगा। वो एक्स्ट्रा एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीन अरियर अकाउंट। पक्का? कितना करेगा? 10,000। क्लियर? यस सर। जो बाकी था यहाँ आ गया, तो नोटिस कीजिएगा, बैंक 10,000 हो गया, कॉल सेंटर कैंसिल हो गया, एंट्री वही हो गया फिर से, नहीं 10,000 कैंसिल हो गया और आपका 190 की जगह बैंक कितना गया? 2 लाख हो गया, बराबर हो गया। पक्का? समझ में आया सबको? यस सर। कभी कभी और हो सकता है क्या, कभी कभी ना वो कॉल से जो बकाया लगाया था, तो फिर प्रिंस बकाया लगाया तो लगा किशोर को हम भी बकाया लगा दें, फिर ऐसा अगर छोड़ देगा नॉर्मल तो कैसा बकाया लगाने लगेगा? तो कंपनी क्या बोलता है, जितना दिन पैसा बाकी रहा यहाँ से यहाँ, कुछ भी पीरियड हो सकता है, सपोज कीजिए 2 मंथ रहा होगा, वो 2 महीने का 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ले लेगा कंपनी साथ में, गलत की सही? सपोज कीजिए कि ब्याज आया आपको 200 रुपया, गुनावा करके मत देखिएगा, कि इंटरेस्ट रेट दिए नहीं, तो उसका एंट्री थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, तो क्या करेगा, एक एंट्री और कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल अरियर अकाउंट। पक्का? 200। इसको कंबाइंड भी किया जा सकता था। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट 10,200 टू कॉल सीन अरियर 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन अरियर 200। लॉजिक क्या है, बैंक बढ़ा इसके लिए डेबिट किए हैं, एसेट्स अकाउंट है मेरा, ये एसेट था, डेटर था हमारा, डेटर कम हुआ इसके लिए डेबिट किए, बैंक बढ़ा इसके लिए डेबिट किए, और ये मेरा इनकम है, सामने वाले ने बाकी लगाया था तुमको ब्याज मिला, तो कंपनी के लिए इनकम है, इसके लिए क्रेडिट किया। पक्का? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आराम से, बस एक एक सिचुएशन और बचा है, उसके बाद खत्म, उसके बाद आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये इसकी सिचुएशन को हमने समझा दिया, इसमें कुछ समझाने वाला था ही नहीं, ये भी खत्म। सिचुएशन नंबर 3 लास्ट, कॉल सीन एडवांस है 20,000 रुपया, मतलब कुछ लोगों ने यहाँ का पैसा यहाँ ही दे दिया था, कोई नहीं बोल रहा है? Yes, sir. क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? चलिए, तो सोच लीजिए, मांगे थे, अगर कॉल से एडवांस होगा तो क्या लगता है वो फिर से 3 लाख रुपया देगा? नहीं, जितना बाकी है उतना देगा। कितना देगा? जितना बाकी रह गया है। 2,80,000। हाँ, ये कौन बताए? राहुल सर। राहुल, सही है। 3 लाख मांगे थे, लेकिन कुछ लोगों ने 20,000 तो पहले ही मेरे पास आ चुका है ना, 20,000 तो यहाँ पे रिसीव हो गया था, हमको एक्स्ट्रा रिसीव हो गया था, तो जिन लोगों ने 20,000 रुपए एडवांस दे दिया था वो आज थोड़ी देंगे? नो सर। वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, गलत की सही? सही है सर। तो हमारे पास 3 लाख रुपया नहीं आएगा इस केस में, इस केस में हमारे पास आएगा 2,80,000। 2,80,000 20,000 बढ़ा गया, तो हम क्या किए, जैसे यहाँ पर हमने एसेट्स कम कर लिया, उसी प्रकार लायबिलिटीज कम कर लेंगे, जो लोगों का लायबिलिटीज क्रिएट कर रखे थे ना कॉल सीन एडवांस, आज लायबिलिटीज कम कर लेंगे, कॉल सीन एडवांस एडवांस अकाउंट, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एडवांस, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 3 लाख मांगे, लेकिन 3 लाख में 2,80,000 आया, तो 20,000 गया था, जो हम लायबिलिटीज क्रिएट करके रखे थे वो लायबिलिटीज कैंसिल हो गया, मतलब हमको 20,000 रुपया नहीं देना, जिन्होंने एडवांस दिया था लायबिलिटीज क्रिएट था, वो लायबिलिटीज मेरा आज खत्म हो गया, गलत की सही? सही है सर। रीति? यस सर।
यस सर समझ में आई चीज यस सर समझ में ये दिक्कत हुआ किशोर नहीं नहीं आप नो तो समझ में आ गया पक्का कामनी यस सर समझ में आ गया यस सर सिमरन आवाज नहीं आ रहा सर सर आप बोले हमको लगा सिमरन बोल रही है अच्छा ये दूसरी तरह बोलती है यस सर समझ में आपको सिमरन समझ में आया सिमरन आपको हाँ सर समझ हाँ देख कितना अच्छा आवाज आया यस सर कितना अच्छा आवाज आया समझ में आ गया ना यस सर देखिए तो चलिए तो यहाँ पे बाकी तो आ गया यहाँ पे एडवांस तो एडजस्ट कर लिया पक्का इफेक्ट समझ में आ गया आपको यस सर अब जैसे यहाँ पे वो हम कंपनी ने हमसे इंटरेस्ट लिया इंटरेस्ट देगा भी तो दो महीने का जो एडवांस दिया था कि जो रख लेगा देना होगा तो हो सकता है कि इंटरेस्ट देगा तो इसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा तो डेबिट कर देगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये भी सामने वालों को दे सकता है पक्का सपोज के लिए 300 रुपए इंटरेस्ट आया 300 रुपए इंटरेस्ट दे देगा और 300 रुपए से खर्चा हो गया तो बैंक घटा इसके लिए क्रेडिट किया और एक्सपेंस बढ़ा इसके लिए डेबिट किया खत्म पूरा सर सही में कंपनी देता है क्या इंटरेस्ट तो देगा नहीं जा सर वो थोड़ी ना बोला है कि हमको एडवांस में पे करो रखा था ना यहाँ पे चलिए यही बैंक डेट पे आइए तुमको जब ब्याज देने का औकात नहीं था तो तुम हमको पैसा इसमें रिफंड कर देता क्यों रखा था कॉल्स इन एडवांस में भूल रहे हैं आप याद कीजिए ये दिन तुम हमको वापस कर देता हम तुमको देते टाइम पे ये दिन भूल गए सर हम बोलते हम मांगे थे क्या चीज बोले अगर हम रहते कंपनी की जगह पे तो बोलते हम मांगे थे तुमसे पहले तुम मांगा नहीं था पीछे और पीछे आइए एप्लीकेशन पे तुम 20-20 रुपया नहीं मांगा था भूल गया तुम बोला था कि तुमको दो एक सेवा देंगे हमारे पास ज्यादा औकात नहीं है हम बोलते जवाब दीजिए सुबे यस सर तो आप क्या बोलते चलिए आप कंपनी है डिस्कस कर लीजिए हमसे बहस कर लीजिए पहले ही सब लोग हाथ खड़ा कर लेगा सॉरी सर नहीं सर रहने दीजिए गलत की सही साक्षी सही है सर पहले ही सब हाथ खड़ा कर देगा हम बोलेंगे चलिए अच्छा ऐसा कीजिए आप कंपनी बनी हम कस्टमर फिर भी लोग हाथ खड़ा सॉरी सर गलत की सही यस सर सही है प्रीति प्रीति यस सर सही बात है कि नहीं हाँ सही है अब जिस तरफ खड़े होंगे दूसरा पार्टी इस पहले ही हार मान लेगा गलत की सही किशोर एकदम सही अरे सब लॉजिकल है ना सबका पीछे लॉजिक है हम जो क्या बता रहे आपको इंडी डटवा नहीं रहे तीन दिन से आपको लगेगा कि एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गलत कैसे अच्छा सुबह एक अलग तरह का फीलिंग्स आया कि नहीं अकाउंट्स पढ़ने में कैसा लग रहा है सर मजा आ रहा है पक्का सही में ना लॉ पढ़ने में कैसा लगा सर उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका मतलब हलवा ही अच्छा है खाना टेस्टी बनता है सर मतलब आलू प्याज मसाला में अंतर नहीं है यस सर हलवा अच्छा है नहीं यस सर झूठ बोल रहे सही बोल रहा है सही बोल रहा है लेकिन प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है ऐसा मत बोलिए अपना तारीफ कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में समझे नहीं सर ये हम लोग को भी बोलती है सर अच्छा पढ़ाते आप लोग किसी को नहीं बोलते हैं हम लोग आपस में बोलते रहते अच्छा सुबह से मतलब बात होता है नहीं हाँ हो जाता है हम मेरा श्रेया और सुबह तीनों का कॉन्फ्रेंस क्या 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 तारीफ करती है बताइए अच्छा लगता है सुनके बताइए नहीं हम ऐसे पूछ रहे थे ज्वाइन करेगी तो बोली हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं करेंगे ज्वाइन मतलब कब पूछी ज्वाइन करने के बाद नहीं जब ये कर पे करना था पैसा या कुछ ऐसा हम बोले फॉर्म भरोगे ज्वाइन करने वाला नहीं ऐसा बोलना चाहिए था पेमेंट करोगे ज्वाइन तो कर ज्वाइनिंग तो फ्री है फॉर्म बोल रहे हाँ नहीं वो तो पहले ही बोलती है सब दे देंगे कोई दिक्कत नहीं नहीं चलिए और किसी को कंफ्यूजन तो सर हम इस लोग से पूछ के ही फॉर्म भर रहे थे इस लोग से सुबी से अच्छा और से या दोनों मतलब ये फॉर्म नहीं भरते आप ही चले जाते हैं
नहीं पता नहीं सर। नहीं नहीं समझ गए, बात समझ गए। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन पूछे हैं तो ऐसा नहीं, मजाक नहीं किए, कंपनी इंटरेस्ट को, कंपनी को इंटरेस्ट देना मजबूरी हो जाएगा। क्यों? कि कंपनी ने पैसा रखा है। हम उस दिन पुराने समय प्रीति यादव का बताए थे हम। यस सर। पैसा वापस कर दो आप, अगर रख रहे हो तो भाई हमने इसीलिए ना उसको फर्स्ट कॉल पे नाम नहीं दिए थे। अगर हम फर्स्ट कॉल का नाम देते तो आज कंपनी ना आज इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन हमने क्या बोला फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम इतना एडवांस रख लिए, और दूसरी बात क्या उससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते, वापस करो। अगर तुम रख रहे हो तो उस पर तुम हमको इंटरेस्ट दो। कॉल से एडवांस है, कॉल से एडवांस में मेरा ट्रांसफर करने का मोटिव ही था कि हम क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर नहीं देने का मोटिव होता तो हम ये करते? आगे बताएंगे ये सब चीज। नियम कैसे नहीं है? गलत ही सही। बैंक में एफडी कीजिएगा 5 लाख रुपए और 5 साल के बाद जाइएगा, लीजिए 5 लाख रुपया, कैसा लगेगा? बेकार नहीं लगेगा? बैंक वाला बोलेगा हम तुमको बोले तो रखने के लिए, तुम ही ना आए थे, बोला सर एफडी कर दीजिए। अरे भाई बाय डिफॉल्ट है कि एफडी करेंगे तो भाई हमको इंटरेस्ट मिलेगा। आप मेरा पैसा वापस कर देते, रखे क्यों? हाँ रखे हैं तो ब्याज देना पड़ेगा। अभी यहाँ से अगर अगर सुन लीजिए ना, यहाँ पे आप लॉ इसमें सॉरी लॉ को इंक्लूड कीजिए, तो बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो गया यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट हो गया एक्ट नहीं हो गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते थे। आपने रखा है इसका मतलब है कि आप मर्जी से रखें और हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वापस कर देते। आप रखे इसका मतलब एक बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नहीं गलत की सही? इसीलिए ना लॉ पढ़ा जाता है। पक्का? तो हमको लगता है लगभग लगभग सब कुछ 10-21 हो गया, अमाउंट बचा हुआ, मतलब ठीक है। कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देते, कल मतलब मंडे से। कोई दिक्कत? यस सर, अभी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हां चलिए, हां स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9 मिनट में। एकदम सही। कहां कहां से रुक जाइए, आराम आराम से। डिस्काउंट वाला तो कल हो गया था, हाँ ये वाला आज बताए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत लोग मेरा ही फोटो लेता है, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा फोटो आ रहा है? यस सर। चलिए थैंक यू, ले लीजिए जल्दी, सांस रुके हुए हैं। ओके सर। चलिए ले लिए सर। 10 को लोग देखता है, अच्छा नहीं है, नहीं सम चलिए एक मिनट। सब हंसता है, हंसाइए मत, फोटो खराब आएगा। हम पहले ही ले लिए थे, खराब आया। जा नहीं, मेरा वाला अच्छा है। ठीक, मेरा वाला भी अच्छा। चलिए पहले आपको सांस सांस रोक लीजिएगा, उसके बाद फोटो लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक। चलिए एक मिनट। हाँ पोज। हो गया, फिर हंसाइए मत, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ भी नहीं इसका, हम ले भी लिए, बताया नहीं था आगे जा रहा है, कुछ कैसे नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट आया यहाँ से ऐसे आया यहाँ पे, क्या घर में बालकनी नहीं होता है, गैलरी नहीं होता है जिसमें घर में जाते हैं, इसका मतलब का वैल्यू नहीं है, पैसेज था। चलिए लीजिए। ले लिए सर। चलिए किशोर आप ले रहे हैं कि नहीं? किशोर बोलता सर मेरा ही फोटो अच्छा आता है। अरे अपना फोटो नहीं इसका लीजिए कम से कम, सोच रहा है, बोलता है मेरा ही फोटो अच्छा आता है। किशोर ले रहे फोटो? यस सर। राहुल? यस सर। चलिए अच्छा, क्लास का मालूम है डबल टाइम हो जा रहा है, क्लास में इतना देर लिखते तो क्या होता, हम इतना पढ़ाते ही नहीं, कॉपी करना रहता था आधा घंटा पहले ही छोड़ देते, बोलते कॉपी कर लीजिए। गलत की सही? सही है सर।
आपका डबल टाइम मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है, हम झील बहुत थक जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े। सर इसका रिकॉर्डिंग कब आएगा? हाँ एक दिन तो चला जाता है, एक दिन के बाद नहीं, नहीं गया अभी तक। नो सर, कल वाला कभी नहीं आया है। तो कल वाला तो आज शाम तक आएगा ना, आज रात तक आएगा कल वाला, परसों वाला तक आ गया होगा कि नहीं आया है? परसों वाला नहीं आया है? परसों वाला तो आ गया होगा। नहीं नहीं आया है। परसों कौन सा तारीख था? 14 नहीं, आपको कल 17 तारीख था, 16 था, इसमें 9 14। अरे अपडेट नहीं हुआ इसमें, इसमें गूगल, अच्छा एक मिनट, यूट्यूब पे है, इस पे नहीं आया है, समझे? यूट्यूब पे है सर, यूट्यूब पे है, इस पे नहीं किया। देखिए हमको एक गुस्सा आ रहा, अभी हम देखें, अभी हम इसको सिखा दिए थे, यही धोखा हो जाता है, समझे कामिनी? हमको भी धोखा हो गया, देखें। प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, ये पब्लिकली है। यस सर। पार्ट टू में जब जाएंगे ऐसे करके, पार्ट टू में जाइएगा आप, तो देखिए कल तक का मतलब 17 तारीख था, 16 तारीख तक होगा। सही क्या लिख दिया मैंने, पायल अच्छा नकाई साला, टेंशन है। दो गाना और एक डीजे वाले बाबू करते वाले, हम अभी देख रहे थे, बड़ी टेंशन है, यही धोखा है। ये सब अच्छा है, 14 तक का ही है, 14 तक का है, मतलब 15-16 का क्यों नहीं है? वही तो सर बोल रहे थे, एक ही आया। नहीं नहीं अपलोड तो, एक मिनट, मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया है, रुक जाइए, होना चाहिए क्योंकि अपलोड तो रोज हो रहा है, वीडियो तो रिकॉर्डिंग हुआ था, नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। सर उस दिन हुआ था। चाहिए, देखिए देखिए ये अपडेट नहीं हुआ है, देखिए देखिए प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ है, इसका रीनेम और प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ है। कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो बोलिए, एक्चुअली देखिए पता है समझ नहीं प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। यस सर। ये 16 तारीख का यहाँ पे है, 15 तारीख का भी होगा, देखिए इसको इसको यही नाम लिख दिया है, सेम चीज है क्या? 50-37, 50-37 दो बार अपलोड हो गया है, बड़ी पेंशन है। पार्ट टू 16 सितंबर, अरे ये अलग है लेकिन, ओहो हम देखिए इग्नोर किए हैं, सब खचड़ा हो गया, एक्चुअली हम काम बोले थे, एक साथ संभाल दूसरे को दे दिए हैं, देखिए नतीजा क्या हो गया, यही दोनों वीडियो आप लोगों का होगा, ठीक है? ये शायद 15 का है और ये 16 का है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। दिक्कत होगा ना तो इसे ऐसे ही सब पब्लिकली है, थोड़ा सा थोड़ा कष्ट कीजिएगा, योर वीडियो में जाकर के देखिएगा तो थोड़ा सा कष्ट होगा, ऐसे रीनेम करने के बाद इजी हो जाता है, रीनेम करते हैं, समझे? यहाँ तक हम अपडेट किए थे, समझे? 14 तारीख तक मेरा अपडेट किया हुआ, देख रहे हैं? यस सर। सबका नाम हम लिखे हैं प्ले लिस्ट में, 14 के बाद हम छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद देखिए 14 के बाद 15 से फिर क्या हुआ है, देख रहे हैं? यस सर। तो प्रॉब्लम को समझिए थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, सैटरडे संडे होना फिर मैनेज कर देंगे पूरा, ठीक है सर। ठीक है सर। पब्लिकली है, अभी सुन लीजिए, 3 ऑप्शन है, गूगल क्लासरूम में नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, समझ रहे हैं आप? सेकंड ऑप्शन, प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिए, डायरेक्टली थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, इसे समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा तो आपको बहुत ईजी लगता है क्योंकि फोल्डर वाइज डेट वाइज आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं? यस सर। ये आपका पर्सनल बेडरूम हो गया, पर्सनल बेडरूम, अगर पर्सनल बेडरूम में नहीं मिला है तो रूम में खोज लीजिए, कहीं मिल जाए, रूम में अगर नहीं मिला है तो शादी ब्याह, पूरा घर में खोज, नहीं नहीं शादी ब्याह का घर हो गया ये, शादी ब्याह का देखिए आप, फिर वो गमछा पसारी साला गमछा बुला जाएगा, चप्पल बुला जाएगा, कहाँ है खोजना पड़ता है, पहन ले आप तो मालूम पता चला साला, वो भी बाहर मार्केट चला गया, आएगा तब मिलेगा, गलत है? सही है सर। तो पहले भी पर्सनल बेडरूम में ढूंढिए, नहीं तो रूम में ढूंढिए, नहीं होता तो लास्ट में विवाह भवन में ढूंढिए, मिल ही जाएगा पक्का। ले ठीक, तो हम लोग मंडे को मिलते हैं, मंडे तक यहाँ तक फेयर कर लीजिएगा एकदम अपने सिस्टमैटिक वे में, फेयर